अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर का विषय, महाराज जी तो उस आंदोलन में बस चलकर आगे आगे चल रहे थे, और जब कभी महाराज जी जैसे लोग, संत जैसे लोग वहां पर आंदोलन खड़ा करने का काम करते थे तो लोग उपहास उड़ाते थे, मंदिर नहीं बनवाते थे, उपहास उड़ाते थे। हम जब नारे लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो यही सपा के लोग हम लोगों से कहते थे, बसपा और कांग्रेस के लोग, कि भाजपा वाले झूठ बोल रहे हैं, तारीफ नहीं बताएंगे, यही तो कहा करते थे। अरे बनवाने की बात छोड़ दो, आप ना बनवाते हमारा उपहास तो ना उड़ाते, चलिए उपहास की बात छोड़ दो, आप उपहास उड़ा लेते, लेकिन जब हमारे माता पिता वहां कार सेवा करने के लिए अयोध्या जाते थे तो सामने खड़े होकर गोली चलवाकर लाखों लोगों को सरयू नदी में बहाने का भी काम आप लोग करते थे। क्या इससे बड़ी पीड़ा की बात हमारे लिए हो सकती है? हम भूल जाते हैं इन विषयों को कि हमारे बुजुर्गों को, हमारे माता पिता को इस आंदोलन में कितने लोगों को मारने का काम इन सपा बसपा कांग्रेस के लोगों ने किया। अपना वोट उनको चला जाता है और वो हमको गुमराह करके हमारा वोट ले लेते हैं, लेकिन मोदी को उनका वोट आज तक नहीं मिलता। इसलिए हमें वैचारिक स्तर पर तैयारी करनी पड़ेगी, अपने विचारों में परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें गर्व होना चाहिए कि जब आपके आशीर्वाद से मोदी जी की दिल्ली में सरकार बनी तो मोदी जी ने वोट बैंक की चिंता नहीं की, अयोध्या के मसले को हल भी कराया, सुप्रीम कोर्ट से स्वयं अयोध्या गए, वहां पर भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया, आज भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो ऐसे ढेरों मुद्दे जिन पर विचार करके हमको चलना चाहिए। आज इतना बड़ा मंच सामने खड़ा हुआ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अपने देश में कल्याण सिंह जी से बड़ा नेता कोई पैदा नहीं हुआ। कोई हुआ तो जरा बता देना, कोई हुआ? चाहे वो मुरलीपुर हो, चाहे अपना गांव हो, इन गांवों की सड़कों की हालत, इन गांवों की बिजली की हालत किस प्रकार की थी आप लोगों से छुपा नहीं है। यही पीगंबर खेड़ा की सड़क जाती थी, घुटनों घुटनों तक की पानी भरा रहता था, कोई झांकने के लिए नहीं आता था। 70 सालों से नेता चक्कर लगाते थे, वोट लेके आपसे चले जाते थे, लेकिन चुनाव के बाद कभी झांकने के लिए आए हो तो बता देना। आज सूची लगवा दी हमने, गांव के 14 काम जो गांव के अंदर है वो आपके सामने रखे हुए एक एक काम को पूरा करने का दायित्व माननीय सांसद जी के आशीर्वाद से आपके इस बेटे ने निभाने का काम किया। और आप किसी भी गली में चले जाइए, चाहे कड़वापुर की गली में चले जाइए, चाहे पीगंबर खेड़ा की गली में चले जाइए, इन सारी गलियों को ठीक कराने का काम आपके बेटे और माननीय सांसद जी के आशीर्वाद से करने का हम लोगों ने प्रयास किया। बड़ी सड़कों की बात करते हैं ये लोग, मुख्यतः ये काम